मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ इज प्रमोद शर्मा फ्रॉम सरस्वती विद्यामंदिर इंटर कॉलेज जहांगीराबाद। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ए न्यू टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। एक्चुअली सिंथेसिस है क्या? ये ऐसा टॉपिक है जो नॉट ओनली इन फर्स्ट ईयर एंड ट्वेल्थ क्लास, बट ये टॉपिक आजकल जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इनके सेंटेंसेस या क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो इट इज़ नॉट अ मैटर टू फियर, डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। इस टॉपिक को ध्यान से वॉच करें, पूरा वीडियो वॉच करें और डेफिनेटली ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी यार, अगर ये टॉपिक पूरा देखेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे। सिंथेसिस वास्तव में है क्या? अगर हम इसका वर्ड मीनिंग करें तो सिंथेसिस हम कह सकते हैं समन्वय, यानी समन्वय स्थापित करना दो चीजों के बीच। दूसरा, इसको और लाइट करें या और थोड़ा सा क्लियर करें तो सामंजस्य बिठाना, और यदि हम अपनी रोजाना की बोलचाल की भाषा में कहें तो तालमेल बिठाना। यहां तालमेल किसमें बिठाना है? वास्तव में सिंथेसिस का अर्थ है दो मिश्रण या दो यौगिकों के बीच संबंध स्थापित करना, उनको मिलाना। लेकिन ग्रामर में क्या करना है? ग्रामर में एक या एक से अधिक दो सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक नया वाक्य बनाना। तो यानी करना क्या है, वन सिंपल सेंटेंस प्लस अनदर सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू ए न्यू सेंटेंस। जो बनता है वो न्यू सेंटेंस ही क्या कहलाता है, वो प्रोसेस ही हमारी सिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब सिंथेसिस इज ए प्रोसेस, इज ए प्रोसेस बाय विच By which a number of simple sentences are combined into a new simple sentence, new sentence। तो ये पूरी प्रक्रिया जो दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हम बनाने में यूज करेंगे, उस प्रक्रिया को कहेंगे हम सिंथेसिस। ठीक है, जैसे अब ये नया जो सेंटेंस बनेगा, एक जो नया सेंटेंस मिलकर के आया, ये तीन प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। इसमें हम पहला कहते हैं सिंपल, सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा होता है हमारा कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है जी, यानी कहने का मतलब दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हमने जो एक नया सेंटेंस बनाया, वो नया सेंटेंस तीन प्रकार का हो सकता है, नंबर वन सिंपल सेंटेंस, नंबर टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नंबर थ्री कंपाउंड सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, आप लेंगे हम सिंपल सेंटेंस, क्या पहचान है सिंपल सेंटेंस की, वे सेंटेंस जिनमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, यानी जिनमें एक मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है जी, यानी वे सेंटेंसेस जिनमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, वे क्या होते हैं, हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस हैं, जैसे रवि हर्ड ए सैड न्यूज, ठीक है जी। रवि ने एक दुखद समाचार सुना, और दूसरा पार्ट है इसका ही बिगिन टू क्राई, ठीक है, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब दो सिंपल सेंटेंस हैं, हमें क्या करना है, इनका मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, जो प्रोसेस है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, ऑन हियरिंग ए सैड न्यूज, रवि बिगिन टू क्राई, ठीक है। तो अब हमारे एक मेन वर्ब केवल काम कर रहे हैं यहां पे, क्या, बिगिन, ठीक है। क्या कि हमने, यानी जितने हमारे पास सिंपल सेंटेंस होंगे उतनी ही हमारे पास फाइनाइट वर्ब होंगी, उन फाइनाइट वर्ब्स को अब ये देखना होता है कौन सी वर्ब हमें वाक्य में रखनी है और किसका हमें सिंथेसिस बनाना है। तो क्या कि हमने जो हियर यहां पे वर्ब थी उसका तो बनाया हमने फाइनाइट, ठीक है जी। क्या किया, उसको पार्टिसिपल बनाया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया, और दूसरी जो वर्ब थी उसको हमने क्या किया, बिगिन टू। तो सिंपल सेंटेंस बताया अभी हमने, सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस मिलेंगे, उनको जोड़ करके एक नया वाक्य बनाना है, और सिंपल सेंटेंसेस में केवल एक फाइनाइट वर्ब या एक मेन वर्ब काम करती है। अगला आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सबॉर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज अपना कंप्लीट एंड क्लियर, कंप्लीट एंड क्लियर सेंस रखती है, जबकि सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है अपने क्लियर एंड कंप्लीट सेंस के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे मैं यहां भी दो सिंपल सेंटेंस लेता हूं, वही रवि हियर अ सैड न्यूज, ही बिगिन टू क्राई, ठीक है। वही दो सिंपल सेंटेंस है, क्या करना है यहां पे, सबॉर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करना है, ही हर्ड ए सैड न्यूज, अब यहां क्या हुआ, रवि बिगिन टू क्राई क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज, और बिकॉज ही हर्ड ए सैड न्यूज, ये हो गया हमारा क्या ली, सबॉर्डिनेट क्लॉज, और बिकॉज यहां पर क्या है, सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है, कंजक्शन, ठीक है। तो जितने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सबॉर्डिनेट कंजक्शन काम करते हैं, ठीक है, और सबॉर्डिनेट कंजक्शन की मदद से दोनों क्लॉसेस को जोड़ते हैं और सेंटेंस हमारा क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इससे अगला होता है हमारा तीसरा, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि कंपाउंड सेंटेंस में एक हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है तथा एक या एक से अधिक हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। हाँ, कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा
एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। और इनको क्या करते हैं जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से जोड़ते हैं। और इन सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की मदद से जोड़ते हैं, ठीक है। वही दो सिंपल सेंटेंस है हमारे पास, रवि हर्ड अ सैड न्यूज, दूसरा पार्ट ही बिगिन टू क्राई, ठीक है जी। क्या करना है इसमें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा तो लिखेंगे रवि हियर्ड ए सैड न्यूज सो ही बिगिन टू क्राई, ठीक है। तो एक सिंपल सेंटेंस से हमने, एक या एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस से हमने क्या किया, तीनों प्रकार के सेंटेंसेस बना करके दिखाए, यानी टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस कैन मेक ए न्यू सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू सिंपल सेंटेंस, नंबर टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड नंबर थ्री कंपाउंड सेंटेंस। तो ये तीन प्रकार के सेंटेंस बने दो सिंपल सेंटेंसेस से, और ये सेंटेंस दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन इनसे क्या बन सकते हैं, ये तीन प्रकार के सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो अभी हमने क्या बताया, एक आउटलाइन स्टोरी बताई कि बाय टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस वी कैन मेक थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वन सिंपल सेंटेंस, सेकंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड थ्री कंपाउंड सेंटेंस, ये तीन प्रकार के सेंटेंस बने। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केवल स्पेशली सिंपल सेंटेंस के बारे में डिस्कस करूंगा कि हम सिंपल सेंटेंस को ही किस प्रकार से बना सकते हैं और इसके बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं, हाउ मैनी मेथड्स कैन बी टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। ओके, थैंक यू। गर्मी बहुत लग रही है।